पाकिस्तान में नहीं थम रहा बर्बादी का आलम। एक तरफ इमरान खान ने सेना की नाक में दम कर रखा है तो दूसरी तरफ कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान की फजीहत पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। गरीबी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग को अपने इन हाउस स्कूल को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से उच्च आयोग के सदस्यों द्वारा किया जाता था। स्कूल को बंद करने की वजह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो टीचर्स को सैलरी बांट सके। पाकिस्तान के इस कदम के लिए उसके आर्थिक और वित्तीय संकट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी दूतावास स्कूल चलाने में आने वाले खर्च को पूरा नहीं कर पा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल चलाने के लिए हर दिन आने वाले खर्च और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि बर्बादी की मार से परेशान पाकिस्तान अभी भी हकीकत छुपाने से बचने की कोशिश कर रहा। उसकी तरफ से जो बहाना मारा गया उसकी वजह से दुनिया भर में उसका मजाक उड़ रहा। पाकिस्तानी उच्च आयोग ने शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को जो नोटिस जारी किया उसमें बहाना बनाया गया है कि स्कूल को बंद करने के बीच कम नामांकन जिम्मेदार है। संडे गार्जियन ने टर्मिनेशन लेटर को एक्सेस किया, जिसमें पता चला कि नोटिस पर पाकिस्तानी प्रभारी सलमान शरीफ के हस्ताक्षर हैं। ऐसा बताया गया है कि स्कूल में लगभग 30 छात्र नामांकित थे, जिसमें से लगभग 25 को बाहरी स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका खर्च माता पिता को स्वयं वहन करना था। इसके बाद 5 छात्रों के लिए एक प्रिंसिपल, 6 शिक्षक और एक गैर शिक्षण कर्मचारी वाला पूरा स्कूल चलाना ना के बराबर था। तर्क देकर पिछले महीने स्कूल को बंद कर दिया गया। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक अगले महीने पाकिस्तान में जो नया बजट पेश किया जाएगा उसमें दिल्ली के स्कूल के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया जाएगा, और यही वजह है कि पैसे ना होने के कारण स्कूल को बंद करना पड़ा। वहीं घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद में वित्तीय संकट ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां दिल्ली में तैनात कर्मचारियों के सैलरी में देरी और कटौती की जा रही है। बताया गया है कि कई कर्मचारियों और अधिकारियों को पिछले 3 सालों से सैलरी नहीं मिली। वहीं स्कूल के शिक्षक कर्मचारियों को 5-6 महीने से अंतराल के बाद उनका वेतन मिल रहा था। संडे गार्जियन ने आगे की जानकारी के लिए पाकिस्तानी उच्च आयोग में संपर्क किया, लेकिन उच्च आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है, जवाब आता भी कैसे, इस फजीहत का जवाब उच्च आयोग क्या ही देता, लेकिन जनता समझदार है, उसे बेवकूफ बनाना संभव नहीं। जिस देश में आटे के लिए लात घूंसे चल सकते हैं, उसके लिए पैसों की तंगी में स्कूल बंद करना कौन सी बड़ी बात हो सकती। खैर, पाकिस्तान के इस अनोखे कदम पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।